वसीम यूनुस आई टी पार्क डीओ मेल मानसेरा। आप सब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं और यूनिवर्सिटीज कॉलेज से फारगोर तहसील हैं। मैं चूँकि आई टी से मुतल्लिक आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। मेरे पास 99 स्कूल पहले फेल से इसके अंदर अपग्रेड हो चुके हैं, उनकी मैंने हायरिंग की है पोर्टल पर। उनमें चंद मसाइल आए, मसाइल कुछ यूँ आए हैं कि टीचर्स ने अप्लाई बाद में किया है। आप में से कोई बंदा ऐसा यहाँ बैठा हुआ है जिसने अभी तक पोर्टल पर अप्लाई नहीं किया? जो लिस्टें शेयर हुई हैं आपके साथ वो आपने देखी हैं सब ने? उन लिस्टों में जिन लिखे लिस्टें हमारे पास मौजूद हैं, हम सिर्फ पाबंद हैं उन्हीं लोगों के इंटरव्यू, डेमो और डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के जिनके नाम हमारे पास लिस्ट में मौजूद होंगे। जैसे आप लोग किसी भी एडवर्टाइजमेंट के बाद वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो एक डेट फिक्स होती है ना, उस फिक्स डेट के अंदर आपने अप्लाई करना होता है। जिनके नाम हमारे पास लिस्ट में मौजूद होंगे हम उन्हीं लोगों को वन बाय वन कॉल करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अगर अपने मैट्रिक के नंबर लगा रहा हूँ पोर्टल पर तो मुझसे गलती हो जाए, मैं अपने मार्क्स गलत लिख लूँ। तो अगर किसी के मार्क्स पोर्टल पर गलत पकड़े गए और यहाँ पे हमारे पास उसकी एंट्री गलत हुई, मौके पर नंबर और हुए और यहाँ पे मेरिट के बनाने के लिए अपने नंबर किसी ने लिखे हुए गलत, तो फिर हम उस बंदे को कंसिडर नहीं करेंगे। दो तीन नंबर की बात अलग है, लेकिन एक बंदा कहता है जी 100 नंबर में इजाफी लगाता हूँ, इंटरव्यू में मेरे जानने वाले होंगे मुझे वो पास कर देंगे, तो नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके बाद में वेरीफाई भी होंगे। पहले हम खुद यहाँ वेरीफाई करेंगे और फिर जाके हम लोग यूनिवर्सिटी से वेरीफाई भी करवाएंगे, जैसे होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत, ठीक है सर। तीसरी बात यह है कि एक बंदा पोर्टल बाद बिजी होता है, आपने अपनी एंट्री की है मैट्रिक की या बीएस की। कल मैंने देखा है कि एक बंदे ने अपनी एंट्री की है बीएस की, एक दफ़ा क्लिक करने से वो एक दफ़ा एंट्री हो गई है, दोबारा जब आप क्लिक करते हैं तो एंट्री दोबारा हो जाती है, तो 20 और 20 40 नंबर लग गए आपके बीएस के। तो जाहिर सी बात है एक बंदे के अगर 60 नंबर मेरिट पे आते हैं तो, लेकिन यहाँ पे जब उसके मार्क्स हम काउंट करेंगे वो कम आएंगे, यही बात है। हम यहाँ पे मार्क्स को कंसिडर करेंगे, बाद में आपको किसी किस्म का राइट नहीं है कि आप कोर्ट जाएँ, सिटीजन पोर्टल जाएँ, अपील करें, शिकायत दें, क्योंकि हमारे पास लिस्ट के मुताबिक जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे हम उनको यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। और जो बंदा मेरिट पे आएगा आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ डीओ, हम मानसेरा मेल से उनके एग्रीमेंट साइन करवाएंगे थ्रू पीटीसी और तब आपकी हायरिंग होगी, क्लियर जी। पोर्टल से मतलब ऑनलाइन किसी का भी कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हैं। सर, मेरा इंस्टीट्यूट में हजार यूनिवर्सिटी दिखाया हुआ है जी, बोर्ड की जगह पे भी और मैट्रिक में एफ ए बी ए तीनों में, ठीक है, यूनिवर्सिटी का देखा और सेशन जो है गलत है, मैट्रिक में 17 हुआ है और उसकी जगह एम ए का हुआ है। मार्क्स ठीक हों बाकी यहाँ करेक्शन यहाँ पे कर देंगे, ठीक है जी। मार्क्स में कोई गुंजाइश नहीं है, बाकी सेशन में हम यहाँ पे आपको गलती को ठीक कर सकते हैं। फिर आप बाद में शिकायत करने के पाबंद नहीं, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन जी पोर्टल के मुताबिक किसी का? लिस्ट में जिनके नाम हैं हम सिर्फ उन्हीं का इंटरव्यू कॉल करेंगे, क्लियर जी। ये सर लिस्ट कब तक की है? ये लिस्ट मैंने कल रात डाउनलोड किया जी, कल रात, ठीक है सर।